ये कौन है? मुरादाबाद के थाना भगतपुर इलाके में संपत्ति विवाद के चलते हुए डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। हत्यारे चाचा ने अपने भतीजे और उसकी पत्नी की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी। डबल मर्डर की सूचना पर डीआईजी एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और दोनों बॉडी को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जाँच में जुटे हुए है। आरोपी द्वारा थाने में पहुँच कर सरेंडर करने की बात भी सामने आई है। दरअसल घटना सुबह उस समय सामने आई जब थाना भगतपुर इलाके के परसपुरा के रहने वाले वरुण उर्फ गोलू और उसकी पत्नी बबीता की धारदार हथियार से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। डबल मर्डर की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और सूचना मिलने पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मुरादाबाद डीआईजी एसएसपी सहित सभी अधिकारी ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। दरअसल अभी इस जघन्य घटना के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है, क्योंकि हत्यारा मृतक का चाचा प्रशांत ठाकुर है, जिसने दोनों पर तेजधार हथियार से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। मृतक वरुण स्थानीय शुगर मिल में कार्य करता था और जानकारी के अनुसार अन्य परिजनों से पुराना संपत्ति विवाद चल रहा था। पुलिस ने दोनों बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पूरे मामले की सघनता से जांच में जुटी हुई है। भाई क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। अच्छा प्रमोद कुमार जी, ये बताइए आपके किस रिलेशन में थे, डबल मर्डर हुआ है, क्या पूरा मामला था, क्या विवाद था इनका? ये मेरा साला था। अच्छा। और इसके चाचा ने ट्रिपल मर्डर है। अच्छा। उसकी बीवी 5 महीने की प्रेगनेंट थी और इसके चाचा ने जमीन के विवाद में से मारा, मतलब ये मर जाए अकेला और कोई है नहीं, इसका मम्मी पापा पहले मर चुके हैं। अच्छा। जमीन विवाद में जी ये मर जाएगा, सारी जमीन मेरे नाम आ गई, बाप जिंदा भी, बाप से बाप तो उसी का रहेगा जो जिंदा है। तो घर के बंटवारे को लेकर जमीन के पास पूरा, मतलब अब तो खुली जमीन होगी उसकी, घर के क्या सारी जमीन की बंटवारे के लिए उसकी नियत खराब होगी और उसका पूरा परिवार मौत में मिला हुआ, अकेला बंदा कोई मदद नहीं कर सकता। ये कोई पहले भी विवाद होता चला आया था? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा तो घरेलू विवाद होते थे। अच्छा, दिन में हत्या की है, रात में की है? 3 बजे सुबह 3 बजे। अच्छा, कोई तहरीर, कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है? गिरफ्तार, वो खुद थाने में मौजूद है, मर्डर करके थाने पहुंच गया, मैंने दोनों मार दिया। अकेले हैं, कोई और साथ भी है? अब ये तो वही बताएगा, अकेले से मर्डर हो नहीं सकता, अकेले से दो लोगों को मारी नहीं सकता कोई बंदा। कितने बच्चे हैं जिनके कोई मर्डर हुए हैं? कोई बच्चा नहीं। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी, जो जिसने मारा है ना, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनके कोई बच्चा नहीं है? कोई नहीं है, कोई नहीं। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी 5 महीने, महिला की भी मौत है उसमें, दा, दा, पेड़ में बच्चा है, 3 मारे हैं, 2 के तीन मारे हैं। जो भगतपुर में ये घटना हुई है, क्या पूरा मामला है, क्या अभी तक सामने आया है? जनपद मुरादाबाद में थाना भगतपुर के अंतर्गत एक परसपुर गांव है, वहाँ पे पुलिस को सुबह सूचना मिली थी, यहाँ पे एक घर पे अंदर 2 लोग का हत्या हुआ है। वो उसके बाद में पता चला पुलिस के जांच में, उसके चाचा ने अपना भतीजा और उसका पत्नी का उन्होंने रात में उनका मार दिया है। उसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी के कब्जा में ले लिया और उसके बाद पीएम के लिए भेज दिया। बाकी जो घटना का मोटिव है सब पुलिस जाँच कर, सभी में जाँच करवा रहे हम लोग। अभी उनका कहना है, इनका पहले से कुछ छोटी छोटी बात के लिए आपस में घर के अंदर, एक ही बाउंड्री के अंदर दोनों का परिवार का मकान है, उसका छोटी छोटी बात के लड़ाई होती रहती थी। अब आज ही जो कल रात का घटना का क्या वजह है, हर चीज़ के बारे में अभी पूछताछ करेंगे हम लोग, उससे पता चलेंगे, उसके बाद हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज करके हम लोग आगे जो स्टेशन करेंगे। सर, हत्या कैसे की गई है? उन्होंने जो हड़ा कत्ल है, जो पूरा शरीर में कई जगह उन्होंने चाकू से मारा है, वह उस तरह की दिखाई पड़ रहा है। आला कदरी पुलिस ने रिकवरी किया है, बाकी सब पोस्टमार्टम पता चलेगा कितना चोट है, कैसे हुआ, सब चीज़ पता चलेगा। सर, क्या ये शिक्षक है आरोपी तो बताया जा रहा है, कुछ बात हुई इस बारे में? नहीं, वो तो उनके चाचा ने मारा ना। जी जी, उसे चाचा तो शिक्षक है, वो तो चाचा है। तो कोई गिरफ्तारी हुई है सर? वो गिरफ्तारी हो गया। क्या लोगों की हुई है? एक आदमी हो गया, वो जो चाचा ने उन्होंने कह रहा है, बाकी सब चीज़ का पूरा पूछताछ में पता चलेगा, अकेला मारा और कोई मारा, सब चीज़ जाँच के आधार पर बाकी। ठीक सर, थैंक यू।